डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को नमस्कार। डॉग टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरके त्रिपाठी, यूपी के जनपद महाराजगंज। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जहां राज्य सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाते हुए सोमवार सुबह 7 बजे तक कर दिया है, वहीं कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने को लेकर आज पुलिस अधीक्षक महाराजगंज प्रदीप गुप्ता ने सक्सेना चौराहे पर पहुंचकर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को फटकार लगाते हुए उनकी गाड़ियों का चालान कराया। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आप सभी प्रशासन का साथ दें, जिससे इस संक्रमण को रोका जा सके और जब आवश्यक रहे तभी घर से बाहर निकलें। वहीं उन्होंने लोगों को सचेत किया कि बिना आवश्यक कार्यों के अगर घर से बाहर निकले और घूमते हुए मिले तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉग टाइम्स न्यूज़ के लिए महाराजगंज ब्यूरो, सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू लागू है। अनावश्यक रूप से लोग घूमने न निकले, जो निकले वो आवश्यक काम से निकले, कोई दवा लेने या पेशेंट के काम से या कोई खरीदारी आदि जरूरी चीज़ की करनी है। काफ़ी लोग यहाँ अनावश्यक घूम रहे हैं तो उनकी गाड़ियों के चालान भी किए गए हैं। लोगों को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना और अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना का एक समय है, इसमें कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, उसको लागू करने में हम लोगों की सहायता करें और केवल आवश्यक कार्य से ही घर से निकलें। थैंक यू। डॉग टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ, जहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।